हमारी गाड़ी का हाल कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये पैनल खोल दिया है। Hey guys, good morning and welcome to the channel। तो जैसे thumbnail में लिखा है, हमने हमारी ride cancel कर दी। आज सुबह हम ride पे जाने वाले थे, लेकिन ride cancel करनी पड़ी। वजह ये हो गई कि हमारे गाड़ी का starter motor दिक्कत देने लग गया। अभी हम लोग fault ढूंढ रहे हैं। गाड़ी मैंने कल शाम को ही खोली थी। अभी मैं जा रहा हूँ वापस गराज पे और फिर हम चेक करेंगे एग्जैक्टली क्या इशू है, स्टार्टर मोटर का प्रॉब्लम है कि बैटरी का प्रॉब्लम है। सो गाइस, अभी हम गराज आ चुके हैं। तो हमारी गाड़ी का हाल कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये पैनल खोल दिया है। ये बैटरी आपको दिख रहा है और ये जो दूसरी बैटरी है, ये हमने एक सर्विस बैटरी लाई है चेक करने के लिए कि ये काम कर रही है क्या, ताकि फॉल्ट पता चले। तो अभी हमने इसको कनेक्ट किया है, अभी हम इसको स्टार्टर देने वाले हैं। चलो अभी देखते हैं। तो गाइस, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब रात को हमने स्टार्टर खोला, स्टार्टर मोटर भी खोला चेक करने के लिए कि कार्बन ब्रश वगैरह सब ठीक है क्या। तो सब ठीक था, अल्टीमेटली फॉल्ट मिला बैटरी पे। अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं बैटरी, नई बैटरी लेके आएंगे, इस पर इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं बैटरी की तलाश में। हमारी FZ25 को लगती है 6 एम्पीयर की बैटरी। तो हम देखते हैं कहाँ पे अच्छी बैटरी और सस्ते में मिलेगी। सस्ते में एज इन अच्छी, लेकिन जो हमें अच्छा डिस्काउंट दे वहीं से हम लेंगे। तो अब मैं थाने ईस्ट से जा रहा हूँ, थाने वेस्ट। एक मेरी फ्रेंड की, मतलब मेरा जो फ्रेंड है उसकी पहचान वाली दुकान है, तो वहाँ पर जाके देखते हैं बैटरी कितने की मिलती है। तो चलो गाइस, तब तक बने रहिए। तो गाइस, ये 12 बंगला एरिया है। आप देखोगे यहाँ पे कितना खूबसूरत बना है ये। यहाँ पे लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, रनिंग के लिए आते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये पूरा सरकारी एरिया है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इतना शांति है, यहाँ पे कोई दुकान नहीं है। एंड 12 बंगला आप पूछोगे तो 12 बंगला नाम इसके लिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे पहले सिर्फ 12 बंगलोज थे, वो भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ पे रहते थे, उस जमाने का ये पुराना एरिया है। तो उनके लिए ये बंगलोज बनाए थे। काफ़ी सारे बंगलोज अभी भी इंटैक्ट है जो पुराने ज़माने के, और बहुत सारे नए बने हैं। तो अभी यहाँ पे 12 से ज़्यादा बंगलोज है, लेकिन एरिया का नाम अभी भी 12 बंगला है। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं थाने वेस्ट में। दिस इज़ आर्यन ऑटोमोबाइल्स। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे बैटरी अवेलेबल है क्या और कितने में पड़ती है। तो गाइस, अभी हमको यहाँ पे बैटरी नहीं मिली है। दुकान वाला बोल रहा है कि ये जो मॉडल है ET Z7, तो ये कोई भी सप्लाई नहीं कर रहा है। तो अभी हम देखते हैं कहीं और मिलता है तो, क्योंकि गाड़ी तो स्टार्ट करनी है। बिना बैटरी की गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी और बिना गाड़ी स्टार्ट किए हम राइड नहीं मार सकते हैं। तो गाइस, अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं। और एक फ्रेंड को फ़ोन किया था, उसने बोला कि खोपट में एक जगह है जहाँ पे ये बैटरी का मॉडल मिल जाएगा। तो हम लोग अभी जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं ये मॉडल मिल रहा है क्या। तो अभी हम आ चुके हैं खोपट में। तो दिस, ये पीछे आप देख रहे हो, दिस इज सैनी बैटरीज। तो ये मेरे फ्रेंड के थ्रू मैं आया हूँ, ये उनके पहचान वाला है। तो अभी मैं देखता हूँ यहाँ पर ये मॉडल अवेलेबल है और ये कितने का है। सो गाइस, हमको बैटरी मिल चुकी है। वी आर एट सैनी बैटरीज। ये उसके मालिक है मिस्टर रोहित सैनी, और मुझे अच्छे खासे डिस्काउंट में मिला है बैटरी। मैं बताऊंगा नहीं कितने में मिला है। तो ये थाने में खोपट पे है ये सैनी बैटरीज। आप यहाँ पे आ सकते हो, आप अगर मेरा रेफरेंस दोगे तो शायद से ये कुछ डिस्काउंट देंगे। मेरे जितना नहीं देंगे, लेकिन ज़रूर देंगे। दिस इज़ दी सैनी ट्रेडर्स। आप देख सकते हो इनका नंबर भी यहाँ पर है, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो बैटरी के लिए। तो अब मैं यहाँ से निकलते हैं और फिर अपनी गाड़ी में बैटरी लगाते हैं। गाइस, अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं। द गाय मिस्टर सैनी बहुत मस्त इंसान थे। हमने सोचा था सिर्फ बैटरी लेके जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हमने वहाँ पे बिताया, उनसे बातचीत की। उनके उन्होंने अपनी गाड़ी दिखाई,
गाड़ी दिखाई जबरदस्ती मुझे राउंड भी मारने के लिए लगाया, तो चाय पिलाया एंड ही रियली हैड अ गुड टाइम विद हिम, अ वेरी गुड पर्सन। तो गाइस अभी हम गैरेज पे आ चुके हैं, बैटरी मिल चुकी है हमें, जैसे मैंने कहा काफ़ी सस्ती मिली मुझे, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला। तो अभी बहुत भूख लगी है तो हम लोग खा रहे हैं भजिया पाव, तो भजिया पाव खाते हैं, बैटरी फिट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस बैटरी फिट हो चुकी है, तो अभी हम लोग इंजन को क्रैंक करते हैं, कर देना। गाइस मिशन सक्सेस, बैटरी चेंज हो चुकी है, गाड़ी चालू हो चुकी है, तो अभी हम मिलते हैं आपसे अगले सफर पे जब हम निकलेंगे। ये ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, और अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, टेक केयर।